न्यूज़ क्लिप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या की, जो पिछले साल 3 दिसंबर 2018 में भीड़ द्वारा मारे गए थे। सवाल ये है कि हम इस केस के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि इस मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह से लेकर NSA तक का केस लगा था, उन्हें जमानत मिल गई, या इसके तार कहीं और से भी जुड़े हुए हैं? हम आपके सामने इस केस को लेकर ऐसी बातें रखने जा रहे हैं जिनके बारे में मीडिया में, बाकी जगहों पे बहुत कम बातचीत हो रही है। Shocking news now from Uttar Pradesh's Buland Shahar. There you can see mob violence in which a cop was killed. A police inspector has been killed in this mob violence, which was over the death of some cows. The inspector ki shahadat ke sambandh mein FIR darj kiya gaya tha. Usme se do namzad abhiyukton ki giraftari ho chuki hai aur anya abhiyukton ke giraftari ke prayas kiye ja rahe hain. आप जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे अभिषेक, तो ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, क्या इस पर लेकर भी कुछ बोलेंगे लखनऊ में? मैं सिर्फ सीएम सर से नहीं बोलूंगा, मैं पूरे भारत से इस बात के लिए विनती करता हूं कि ये जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं या फिर कम्युनल वायलेंस है, ये सब प्लीज बंद करिए। जय श्री राम। मातरम 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 मातरम। सबसे पहले तो इस केस के बारे में थोड़ी सी चीजें जो याद रखनी बेहद जरूरी हैं। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इंस्पेक्टर की हत्या की? क्यों हत्या हुई? क्या जो अभी तक की पड़ताल चली है, इसमें वो बिंदु सामने आए हैं? आपको याद दिला दें कि 3 दिसंबर 2018 में सुबोध कुमार सिंह की हत्या उस भीड़ ने की जो उस पूरे इलाके को सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक तनाव में घेरना चाहता था, और उसके सामने एक रोड़ा के तौर पर इंस्पेक्टर खड़े हुए थे। यह बात हम नहीं कह रहे, इंस्पेक्टर की पत्नी और उनके बेटे ने हमसे कही। उनका मानना है कि उनकी हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। जिस तरह से उस पूरे इलाके को अचानक ही गौकशी के मामले में संवेदनशील किया गया। पापा की नौकरी रहती थी कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए उनके अंडर, बाकी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएं तो फिर अब रोक तो सकता नहीं है कोई। तो उनके अंडर क्या रहता था कि जब वो कहीं ट्रांसफ़र हो जाते थे तो वो कुछ गलत नहीं करने देते थे किसी को। अब वहाँ पे कुछ होते चलता होगा क्राइम, तो जितने भी ऊपर के लोग हैं उन्हें परेशानी हो गई होगी। वो लोग लॉ तोड़ रहे हैं, उन्होंने कितनी मतलब उस समय जहाँ पे चौकी पे वो जला, जो उन्होंने चौकी जलाई थी दंगाइयों ने, उस साइड में स्कूल था जिसमें कम से कम 100-200 बच्चियां पढ़ रही थी, वो अंदर थी। अब सोचिए अगर कुछ हो जाता उन बच्चियों को तो कौन जिम्मेदार होता? उनको ये नहीं देखना कि वो लॉ तोड़ रहे हैं, चलो वो तो उनको तो क्या है, उनको तो खुशी मिल रही है, जोश मिल रहा है, लेकिन उस कारण में अगर पुलिस वाले नहीं रोक पाते और वो बच्चियाँ जल जाती, फिर कौन इसका वो होता जिम्मेदार? अच्छा, आपको तो जाना होता होगा कि वहाँ माहौल बहुत ज्यादा बटा हुआ था। माहौल क्या, वहाँ की विधायक जी से तो मेरे हस्बैंड की पहले से ही नहीं बट रही थी, उनके गोरख धंधों में ही लिप्त नहीं थे और वो चाहते थे इनके गोरख धंधों में लिप्त कराना। इनने जाके शराब वराब सबके धंधे बंद करवा दिए थे और हमने सुना है उनका 80 लाख का शराब का धंधा चल रहा था। अब जिसको भैया इतना नुकसान होगा तो वो तो रोक लाएगा ना मेरे हस्बैंड के लिए, और उल्टी सीधे बयानबाजी भी करेगा और उल्टे आरोप भी लगाएगा। आरोप भी लगाए? नहीं, लगा नहीं रहे हैं कि उनके लिए तो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन भी दे रखी थी भोला सिंह के यहाँ, सांसद के यहाँ। वो वैसे भी चाहते थे कि मेरा भैया यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, मैं नहीं इनके साथ जो रह सकता इस तरीके से, क्योंकि जो विधायक जो इंस्पेक्टर के साथ कभी बदतमीजी से बात करेगा तो इंस्पेक्टर क्या जो उनके पर जो घर का नौकर तो है नहीं, पैसा काट देती है उनको, जो पैसा अपना काम करता है सुशल जो वो तो पुलिस तो वैसे भी जनसेवक होता है, तो वो एक ही व्यक्ति की थोड़े ना सुनेगा।
तो पूरी जनता भी सुनेगा ना जो उसके पास आएगी। लेकिन इनमें से कई लोग जैसे योगेश राज और शेखर उपेंद्र राघव, ये सारे लोग तो बहुत समय से मतलब यही मेन चेहरा माने जा रहे हैं इस षड्यंत्र का। यस मैम, मुझे भी यही लगता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बाहर कैसे आ गए हैं, और ये बाहर आते हैं तो ये एक एग्जांपल सेट करता है कि कोई कुछ भी बड़ा बवाल कर दे वो बाद में बाहर आ जाएगा। यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एक एग्जांपल सेट करना चाहिए था कि ऐसे लोग जो कानून तोड़ेंगे, इतना बुरा मजाक बनाएंगे समाज का, उन्हें कभी बाहर ही नहीं आना चाहिए। अब ये बाहर आ गए हैं, खुला घूम रहे हैं, क्या पता आगे चल के कोई इनसे इंस्पायर होकर और बड़ा कांड कर दे, उसे भी यही लगेगा कि वो बाहर आ जाएगा। ये मुझे ये समझ नहीं आता कि वहाँ के लोगों को क्या सोच के बैठे हैं ये लोग, उनको हीरो मान रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आता कि किस कारण पीछे थे जेल में, किस कारण 7-8 महीने तक ये जेल में बंद रहे थे, किस कारण जब पुलिस रेड डाल रही थी तब ये भागे हुए थे। तरह से जमानत मिलने पर जो जश्न मनाया गया, जिन लोगों को जमानत मिली उनका जो भाजपा और बजरंग दल से संबंध है, उससे कम से कम साफ होता है कि यह रिश्ता हमारे सामने बहुत साफ हो रहा है कि कौन लोग थे हत्या करने वाले, कौन लोग हैं उस हत्या पे जश्न मनाने वाले, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत इन्हें जमानत मिली, और जमानत मिलने से पहले कैसे इन लोगों को जेल से पता था कि इनको जमानत मिल जाएगी, यह गारंटी देने वाला सिस्टम कौन था, वे कौन लोग हैं जो जेल के भीतर से फेसबुक ऑपरेट कर रहे थे। बकायदा तारीख के हिसाब से बताया जा रहा था फेसबुक पे कि इस तारीख को वो बाहर आ जाएंगे, उन्हें जमानत मिल चुकी। यह बताता है कि एक बड़ी साजिश थी, वह साजिश अभी भी जारी है। यह है फेसबुक पेज शिखर अग्रवाल का, जिन्हें बेल मिली है 24 अगस्त को, और ये 19 अगस्त को ये लगातार जेल से अपडेट भेज रहे हैं। उनके बिहाफ में कौन काम कर रहा था, लेकिन वो लगातार बोल रहे थे कि मैं जल्दी बाहर निकलने वाला हूँ, कल बाहर निकलता हूँ, इस तरह के अपडेट्स उनका फेसबुक पे लगातार आ रहे थे। इसके रिगार्डिंग हमने 21 को ही एक एप्लीकेशन भी दी थी IG मेरठ को। दोस्तों, जल्द ही आप सबके साथ होंगे शिखर, और फिर उसके बाद ये पहले का है, 16 जुलाई का। 19 को लिख रहे हैं, गौ माता के आशीर्वाद से सभी धाराओं में जमानत मिल गई है 19 अगस्त को, और इनकी बेल 24 को हुई है। बेल 24 कैसे मिल गई पता नहीं। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं, काले दिन का अंत, शिखर अग्रवाल। दोस्तों, एक बात तो है कि आप सबकी बहुत याद आई थी शिखर, ये भी 19 का है। भाइयों, अगर आपकी दुआ रही तो कल शाम को मिलेंगे, ये इन्होंने 21 अगस्त को डाला है। और इसके बाद जब ये बाहर आए, ये इन्हीं के हैं वीडियो फोटो और वीडियोस जो है ये। हमने बात की जमानत पर रिहा हुए महाव गांव के जो प्रधान हैं उनसे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को फोन किया था और कहा था कि उनके खेत में गौकशी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले इस इलाके में इस तरह का तनाव नहीं हुआ, यह तनाव जिस तरह से पैदा हुआ इसको लेकर वह काफ़ी हद तक चुप रहे। एक बात बहुत अहम थी, पहले यह मिलने को तैयार हुए और फिर इन्होंने कहा कि हम किसी भी आरोपी से जो जमानत पर रिहा हुए हैं मिल नहीं पाएंगे, उन्हें ट्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे लोग ही धर्म कर्म की यात्रा पे निकले हुए हैं, या खुद भी धर्म की यात्रा पर निकल गए हैं। यह कौन सा धर्म है, यह कैसी जमानत है कि जमानत मिलने के बाद जितने आरोपी हैं उनमें से अधिकतर अनट्रेसेबल हो जाते हैं, उनसे बातचीत करना मुश्किल हो जाती है। यह जो पूरा सिस्टम लॉलेसनेस है, जिसे कहेंगे कानून की धज्जियां जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उड़ रही हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण यह केस है। गाय वाला जो है वो आप ही ने देखा था, आप ही के खेत में था। हाँ, मेरे खेत में अवशेष पड़े हुए थे, मैंने इस वजह से सूचना दी। अच्छा, इससे पहले भी कभी अवशेष आए थे? नहीं जी, नहीं, पहली बार हुआ था ये? नहीं, पहली बार हुआ था। तो फिर आपका नाम क्यों आ गया इसमें? देखो, मेरे पास सुनो, भीड़ भड़का थी, और देखो सबसे सही बात तो ये है कि देखो उनका भी मरा है और एक साधारण व्यक्ति भी मरा है। मेरी बात हुई
ईटीवी जो शिपाल जी हैं उन्होंने कहा कि आप यहीं पर हैं, आपसे मिल सकती हूँ मैं। मैं बिल्कुल आज लगभग सुबह करीबन 10-10:30 बजे निकलाऊंगा। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप बाहर निकल गए हैं। हाँ जी, बहुत परेशानी टूटी है, उसकी वजह से थोड़ा आराम देवी के और अपने साईं बाबा के दर्शन करके 10-15 दिन में जब लौटूंगा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए, दो चीजें पूछनी थी कि आप ही ने सबसे पहले कॉल किया था ना हाँ जी, मैं बताने के लिए सुबोध जी, जी को फोन आप ही ने किया था ना? हाँ जी, हाँ हाँ, मैंने किया। अच्छा, दुख दोनों को ही होता है जी जी जी, और जब दुख होता है तो दुख में आदमी कुछ भी कर सकता, कैसे ही हो भाई, मरा तो है उनका भी। अब वो किसने मारा, कैसे मारा, अब वो तो सब कुछ भगवान जाने, मतलब वहाँ की जो जनता मौके पे थी वो बता सकती है इस चीज को। तो अच्छा भाई, वहाँ जैसे भी है उनके मन में आया, उन्होंने जो उनकी अपने मन से कार्रवाई होती है एक आदमी की, तो उन्होंने तो वो की। क्या सच्चा है क्या झूठ है वो तो सब कुछ अब एक या तो भगवान के ऊपर या न्यायालय के ऊपर, या फिर हम जानते हैं क्या सच्चा क्या झूठ है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि सुबोध जी की हत्या तो हुई ना, मतलब मारे तो गए वो? हाँ, जब कैद लिया तो मारे तो गए जी। अच्छा, तो मारने वाले कुछ लोग तो रहे ही होंगे है जी? मारने वाले कुछ लोग तो रहे ही होंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे जी, जब कैद लिया था। एक चीज जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इस पूरे केस की सुनवाई जो लोग कर रहे हैं उनका जिस तरह से तबादला हो रहा है वह भी इस परिवार को परेशान कर रहा है। इस परिवार का मानना है, और उसने कैमरे पर भी कहा कि जो अधिकारी कायदे से तफ्तीश कर रहे थे, जिनकी वजह से कुछ जो पावरफुल पॉलिटिकल लोग थे जो पकड़े गए, जो उस समय भागे हुए थे, उन्हें पकड़ने का काम जिन्होंने किया उनको 2-3 महीने के भीतर चलता कर दिया गया, और उनका तबादला एक तरह से सजा के तौर पर किया गया, डिमोट किया गया। क्या यह बात किसी को नजर नहीं आई कि जो जिम्मेदार अधिकारी जांच कर रहे थे, जिस पर इस परिवार को कुछ भरोसा हुआ था, उन्हें आखिर जिस तरह से हटाया गया इस केस से और इस मामले को पूरी तरह से ढीला किया गया, यह किस साजिश का हिस्सा था? जो ऑफिसर अपॉइंट किए गए उस समय सिचुएशन को संभालने के लिए, मैं तो कहती हूँ सिचुएशन को संभालने के लिए प्रभाकर चौधरी सर का वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था। उन्होंने सिचुएशन को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया, उन्होंने बिल्कुल जो है सही न्याय, मतलब सही प्रक्रिया उन्होंने करवाई थी, जो कागजी कार्रवाई थी बिल्कुल सही करवाई थी। क्या कारण होता है 2 महीने के बाद उनको हटा दिया जाता है और जीआरपी पहुंचा दिया जाता है? ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। हम कहते हैं कि ट्रांसफर होना एक प्रक्रिया है, सबका होता है, मामला सबका होता है, लेकिन ट्रांसफर आप इतनी जल्दी दे रहे हैं और सिचुएशन को संभाला है जिस व्यक्ति ने, तो क्या आपका ये कर्तव्य नहीं था 2 महीने और रहने ना? क्योंकि उन्हें पता था अगर ये 2 महीने और रहा तो ये एक भी कैदी छूटने वाला नहीं। इंस्पेक्टर सुबोध की जब हत्या होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार के साथ कई वायदे करते हैं, ढेरों वादे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, इस परिवार का कहना है कि एक भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया गया, ना तो उनके नाम पर इंटर कॉलेज बना, ना सड़क बनी, ना जो मूर्ति लगनी थी कुछ नहीं हुई, और इसे लेकर परिवार आहत है। वो कहता है कि क्या यह सिर्फ उस समय हमें बहलाने के लिए किया गया था, या यह दिखाने के लिए किया गया था कि सरकार कुछ करना चाहती है? एटा में जो जैथरा है ना, जैथरा में हमारा गांव तरगमा है, तो हमने अपने घर के ठीक सामने इंटर कॉलेज के लिए प्रस्ताव रखा गया था। अच्छा, ऑन पेपर नाम से शुरू हो जाएगा? हाँ, इनके नाम से कॉलेज शुरू हो जाएगा, इंटर कॉलेज। तो देखो, वहाँ आसपास में था भी नहीं, तो हमें ये लगा चलो कोई बात नहीं है, हम अपने जो है जमीन दे देते हैं, काम जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास जमीन थी नहीं। तो मैंने कहा हमारे पास जमीन है, चाचा जी ने कहा बेटा मेरे पास बेटे नहीं है, मैं अपनी जमीन दान करता हूँ अपने भतीजे के नाम पे, कि मेरे भतीजे के नाम से जो है। तो कितनी दी उन्होंने? 17 बीघे, 16-17 बीघे। अब 16-17 बीघे जमीन का जो उन्हें
जो लॉस हुआ, अगर कॉलेज ही बनना शुरू हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सरकार की, मतलब सरकार को आपने बता दिया कि ये जमीन मिल गई है? हाँ, सभी बताए, सारे डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट्स लिखा पड़ी, सब कुछ हो गई है, सब वहाँ पे भेज दिए, सारी नाप तौल हो चुकी है उसकी, एजुकेशन जो है सब ऐसे पड़ा हुआ है। और ये कितना दिन हो गया इसको? इसको तो 6 महीने, जनवरी में कर दिया था, जनवरी में ही हो गया था ये चीज, जनवरी में, ये डिसाइड तो दिसंबर में ही हो गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन वगैरह करने पे, ये जनवरी में हो गया था। तब से आज तक कुछ नहीं हुआ? तो जमीन खाली पड़ी हुई है अभी? खाली पड़ी, उस पर खेती नहीं कर सकता किसान, खेती नहीं कर सकते क्योंकि अब सरकार की हो गई है, अब किसान भी तो बेचारा परेशान है। अब भाई वो चाचा जी किसान आदमी, फिर मैंने अपनी तरफ से खरीद कर उनको दी, जो लीजिए चाचा जी, उन्होंने कहा बेटा नाम तो हम तुम्हारे ही रखेंगे, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। और ये कौन सा गांव आप बता रहे हैं? तरगमा, इंग्लिश में TARGWN, अच्छा, हिंदी में तरगमा। अच्छा, और बाकी जो अनाउंसमेंट थे वो बस लगने का? कुछ भी, कुछ भी नहीं, रोड बनने का गांव में कुछ भी नहीं, सब जीरो। जैसे क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट थे उस समय जो हुए थे जिनको? हमारे पास तो पूरी लिस्ट है उनकी निकाली हुई कि हम आपको ये लोन देंगे, हमारे लोन ड्यू है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, मतलब अनाउंसमेंट, मतलब मैं तो ये लगता है अनाउंसमेंट किया गया था सिर्फ अपनी सबूलियत के लिए उस समय, कि हम अपीजमेंट, कम्युनिटी लोगों को लगे कि ये सरकार ने इनका ध्यान रखा है, इनका ध्यान रखा, नहीं कि ठाकुरों की सरकार है और ठाकुर के पक्ष में कुछ नहीं किया। हाँ, बाद में कुछ भी नहीं। तो जो लोन की बात थी वो कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, सब कुछ आपने अप्लाई किया, कभी नहीं किया उन्होंने? भैया भाग, हमारे जेडसी का काम ही यही है, कहते हैं तुम अपने बच्चों को देखो, मैं खाली हूँ, मैं पैर भी करता हूँ, वो बेचारे इधर भागते रहते हैं, उधर भागते हैं, बहुत भागते हैं, दादा बहुत भागते हैं बेचारे। लोन कहाँ से मिलना था आपको? लोन तो हमने, लोन तो हम लोगों के ऊपर ड्यू था, ड्यू थे जो हमारे, तो हमारे ड्यूज उनको गवर्नमेंट को देने थे, गवर्नमेंट ने बोला था कि वो देंगे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अब जो अनाउंसमेंट करने के बाद, मैं तो ये कहती हूँ ठाकुर अपने वचन का पक्का होता है। परिवार का यह आरोप है कि ये जो ढिलाई हुई है, जिस आधार पे इनको जमानत मिली है, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हाई कोर्ट में जिस तरह से इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए थी, लोगों को काम करना चाहिए था, लोगों ने नहीं किया। क्या यह सवाल वाजिब है कि जो जमानत मिली है इसका एक पॉलिटिकल लिंक है? ये एक संकेत दे रहा है उसी तरह से जैसे पहलू खान और बाकी तमाम मामलों में हमने देखा है कि लिंचिंग के मामलों में मारने वाले लोग जो वीडियो पे मौजूद रहते हैं उन्हें भी जमानत मिल जाती है और उनका बड़े पैमाने पर स्वागत होता है। ये जो लिंचिस्तान में भारत को तब्दील करने की राजनीति है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल, जीता जागता उदाहरण यह मामला, यह केस बन रहा है।